दोस्तों, जैसा कि मैंने थंबनेल में दिखाया है कि पिकॉक्स की फाइटिंग कितने दिनों तक चल सकती है, तो दोस्तों ये सामने आपके एक वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको वो दो पिकॉक दिखा रहा हूँ जो पिछले 2 साल से इनको मैं ऐसे ही एक दूसरे के सामने खड़े हुए और एक दूसरे को मारने के लिए या हराने के लिए फाइट करते रहते हैं। पिकॉक्स दोनों वही हैं, जगह वही है, एरिया वही है। इस समय बारिश की वजह से कुछ हरियाली नज़र आ रही है आपको, मैंने थोड़ा क्लोजअप किया है। तो दोस्तों ये सत्यता है, ये इतना सुंदर पक्षी, इतना शांत स्वभाव का दिखने वाला कितना खतरनाक हो सकता है, वो इसके इस एक्टिविटी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि शांत दिखने वाला एक मधुर सुरीली आवाज़ बोलने वाला पक्षी क्या इतना खतरनाक हो सकता है, इतना दुश्मन हो सकता है एक दूसरे का कि सालों तक, कई साल तक। दोस्तों तीसरी साल है, 3 साल से मैं इन दोनों को देखो, ओ माय गॉड, आपने देखा कैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के चक्कर में लगभग 10 फीट ऊपर तक चले गए। पूरा दिन इनको ऐसे ही एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे की तरफ आगे बढ़कर एक दूसरे की तरफ चढ़ जाना, पंजों से एक दूसरे को नीचे दबाना, उड़कर एक दूसरे को चोंच मारना, ये घंटों तक यानी पूरे दिन ये करते रहते हैं। दोस्तों आपको जैसा मैंने कई वीडियो में बताया है कि ये राष्ट्रीय पक्षी 1963 से है और इसको बनाने का मुख्य कारण था राष्ट्रीय पक्षी बनने का, ये देश के हर कोने में पाया जाता था। आज बदकिस्मती है उन लोगों की जिनके एरिया में पिकॉक्स हैं ही नहीं, क्योंकि जैसा कमेंट मेरे पास आते रहते हैं, ओ तेरी जबरदस्त यार, जैसे कमेंट मेरे पास आते रहते हैं उनसे पता लगता है कि यार हमारे यहाँ तो आसपास नहीं, दूर दूर तक 100-100 किलोमीटर के एरिया में कहीं पिकॉक नज़र नहीं आते। हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति हो सकती है, कभी कोई सोच सकता है कि जो जिस देश का राष्ट्रीय पक्षी हो और उस देश के आधे से ज़्यादा हिस्से से ख़त्म हो चुका हो। दोस्तों इस पक्षी का कोई दोष नहीं है, ना इस प्रकृति का कोई दोष है, दोष सिर्फ हमारा है, क्योंकि इसकी शिकार करी जा सकती है, इसकी शिकार की जाती है। यदि इस खूबसूरत राष्ट्रीय पक्षी को आप एक शिकार के रूप में देखोगे तो इसकी संख्या तो कम हो ही जाएगी। बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि यार इसके अंडे मिल सकते हैं क्या? भाई शायद मैंने पहले भी बताया, अब फिर बताता हूँ कि यार पिकॉक के अंडे और पिकॉक, इनको बेचना और अंडे देना तो दूर की बात है, इनको पालतू बनाने की 7 साल की सज़ा है। तो दोस्तों अंडे देना तो दूर की बात है, इनको तो अपने घर में भी नहीं रख सकते। अगर अपने आप ही अपनी छत पर आते हैं आपकी पे, जैसे हमारे आते रहते हैं, छत पर आते हैं, पानी पीते हैं, हम इनको अनाज डालते हैं, चुप के चले जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन दोस्तों ये जो खूबसूरत पक्षी है ना, यदि अपनी एरिया में इसकी संख्या बढ़ानी है तो बस एक ही इलाज है, ये अपने आप आ जाएंगे। इसको वातावरण तैयार करना है अंडे देने के लिए, इसको जगह चाहिए, बस जो मादा होती हैं
क्योंकि अंडे देने के लिए इनको बहुत ज़्यादा जंगल का सा झाड़ियों का एरिया चाहिए, जहाँ पर ये अंडे दे के अपने बच्चों को, बच्चे क्योंकि 10-12 दिन में तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो इधर उधर झाड़ियों में दुब दुब के वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 12 से 15 दिन लास्ट फिर वो उड़ना सीख जाते हैं हल्का हल्का, तो वो कोई छोटा मोटा जानवर उनकी शिकार नहीं कर सकता। तो गाइस पिकॉक्स के वीडियो यदि आप पसंद करते हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और फेसबुक पर शेयर ज़रूर करना, और आपको वीडियो देखना पिकॉक्स के, नीलगाय के और हमारे एरिया में जो जानवर हैं उनके देखने हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरे चैनल की खूबसूरती है ये राष्ट्रीय पक्षी पिकॉक, जब अगले एक महीने से 1.5 महीने तो लगातार पिकॉक्स के ही वीडियो आएंगे, बीच बीच में नीलगाय कहीं नज़र आएंगी तो मैं बना के ज़रूर आपको अपलोड करूँगा। अब मैंने क्वालिटी में भी थोड़ा सुधार किया है, आप लोगों की डिमांड पर कि सर आपकी जो के वीडियो हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी सुधारी है, तो अब मैंने क्वालिटी ठीक बनाई है। यदि अब भी कुछ सुधार करना हो दोस्तों तो यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख देना। तो दोस्तों जो आसपास की आवाज़ है वो भी सुनकर आपको अच्छा महसूस हो रहा होगा, एक ग्रामीण प्रवेश, एक भारी एरिया, मेरे जो पिकॉक्स के वीडियोस पर कमेंट आते हैं सबसे ज़्यादा दोस्तों पंजाब साइड से आते हैं, तो पंजाब वाले भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पाकिस्तान से भी आते हैं, बाकी पिकॉक्स मोस्टली वहाँ तो हर जगह मिलेंगे जहाँ पहाड़ी एरिया है या जंगल का एरिया है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पिकॉक्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि पिकॉक को लाने की कहीं से ज़रूरत नहीं है, अपने आप आ जाएंगे। अब तो बस हल्का फुल्का एरिया में जंगल, ऐसा जंगल होना चाहिए जहाँ इनको छिपकली, स्नेक्स, इस तरीके के जो रेंगने वाले जानवर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो, जो सबसे अच्छी इनकी खुराक है। दोस्तों पिकॉक स्नेक को बड़े चाव से खाता है, बहुत स्वादिष्ट भोजन है इसका। बाहर से आवाज़ आई ट्रैफिक की, इसके लिए सॉरी, और एक खूबसूरत वीडियो आपके लिए मैंने अपलोड किया। यदि आपने इसको लास्ट तक देखा है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा धन्यवाद दोस्तों। अब मैं इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब कुछ देर के लिए इनकी फाइटिंग, इनकी दुश्मनी, जैसे कोई डॉग्स या कोई इंसान आ जाता है आसपास तो ये एक दूसरे को छोड़ के भाग जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो फेसबुक पर ज़रूर